अभिनेता एजाज खान की गिरफ्तारी के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक और एक्टर पर शक है और उनके घर पर छापेमारी की गई और छापेमारी में क्या बरामद हुआ मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। 30 मार्च को एजाज खान जो है वो शूट करके वापस मुंबई आ रहे थे और एनसीबी ने उन्हें वहीं पर हिरासत में ले लिया। 8 घंटे की पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद कोर्ट में पेशी हुई और 3 दिन की रिमांड जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिली है। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एजाज खान से लगातार पूछताछ कर रही है। एनसीबी को शक है कि एजाज का जो ड्रग कनेक्शन है वो शादाब बटाटा गैंग से है और मुंबई में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर एजाज जो है वो ड्रग सप्लाई करते हैं। ऐसे में उनसे पूछताछ से एक और एक्टर का नाम सामने आया और उनके घर पर लोखंडवाला स्थित उनके घर पर छापेमारी की गई और वो एक्टर जो है अपनी एक विदेशी मूल महिला के साथ जो है वो रह रहे थे और उसके बाद जब एनसीबी की टीम वहां पहुंची उसके कुछ ही घंटों पहले वो अपना घर छोड़कर जो है भाग गए। तो एनसीबी उनकी तलाश में है। तो ANI की खबर के अनुसार एनसीबी कंडक्टेड अ रेड एट रेजिडेंस ऑफ अ टीवी एक्टर इन लोखंडवाला मुंबई लास्ट नाइट, ड्रग्स सीज। तो वहां से ड्रग्स बरामद किए गए हैं। द एक्टर एंड अ वुमेन ऑफ फॉरेन नेशनैलिटी हु लिव्ड विद हिम हैड लेफ्ट रेजिडेंस मिनट्स बिफोर रेड। एनसीबी ऑन द लुकआउट फॉर बोथ। रेड वॉज डन आफ्टर क्वेश्चनिंग एक्टर एजाज खान। और ये जो है एजाज खान से इस बारे में पता चला था और उसके बाद जो है ये छापेमारी की गई है। फिलहाल जो है एनसीबी ने उस एक्टर का नाम गुप्त रखा है, लेकिन इसको लेकर अगर कोई भी अपडेट आता है तो हम फिल्म विंडो पर लेकर जरूर आएंगे।